हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये किसके लिए अप्लाई होता है, पहले तो ये बताऊंगी कि ये अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो ये एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। और जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है, उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एच। और जो ये दोनों साइड होते हैं, जो नीचे वाला साइड है उसको हम बोलते हैं बेस, एंड जो ये सीधा खड़ा है उसको हम बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर। तो ये जो स्ट्रेट आता है 90 डिग्री पे उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो नीचे रहता है बेस और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो एच है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका जो साइड रहेगा वो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर सपोज किसी क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है एच, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट ले लो और इन दोनों के स्क्वायर को ऐड कर लो, तो स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सपोज अगर परपेंडिकुलर और बेस कभी भी निकालना हो, इन दोनों में से कोई भी निकालना होता है तो साइड, तो हम क्या करते हैं, p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर में से माइनस करेंगे b स्क्वायर को। देखो अब यहाँ पे क्या है, हमको निकालना तो p है, और इन दोनों में से p निकालना हो या b निकालना हो, परपेंडिकुलर निकालना हो या बेस निकालना हो, इन दोनों में से आपको क्या करना है, h के स्क्वायर में से ही माइनस करना है। तो अब p निकालना होगा तो h के स्क्वायर में से माइनस कर दो b स्क्वायर, और अगर b निकालना है तो h स्क्वायर में से माइनस कर दो p स्क्वायर, और ऊपर लगा दो स्क्वायर रूट। तो ऐसे आपको ये तीन फार्मूला लर्न हो जाएंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल।